वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मैं राज्य के इस विशाल सरकारी स्वयंसेवी संगठन के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सेवकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गृह रक्षा की स्थापना चीनी आक्रमण के परिप्रेक्ष्य में सन 1962 में की गई तथा गृह रक्षा का मोटो निष्काम सेवा है। इस संगठन की बढ़ती हुई उपयोगिता एवं लोकप्रियता के कारण आज ये राज्य का सबसे बड़ा सरकारी स्वयंसेवक संगठन है। निष्काम सेवा तथा राष्ट्र प्रेम की आधार भूमि पर खड़े इस संगठन के सदस्यों ने अपने मूलभूत उद्देश्य निष्काम सेवा को सर्वोपरि रखकर नागरिकों के साथ समन्वय बनाते हुए प्रशासन व पुलिस के साथ मिलकर आंतरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के में अहम योगदान दिया है। तेल उत्पादन कंपनी केयर इंडिया ने सुरक्षा व्यवस्था के सहयोग हेतु इस संगठन के करीब 150 स्वयं सेवकों को कमांडर ट्रेनिंग से प्रशिक्षित कराया जाकर नियोजित किया गया है। वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य की गृह रक्षा इकाइयों के 8,000 से 10,000 स्वयं सेवकों द्वारा प्रदेश के बाहर उत्तराखंड राज्य में शांतिपूर्वक चुनाव कराने में योगदान दिया है। राज्य सरकार ने भी अनेक विभाग जैसे कि जेल, सौर ऊर्जा, दूरदर्शन, आकाशवाणी व राजस्थान उच्च न्यायालय, बड़े अस्पतालों आदि की सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य देकर प्रोत्साहित किया है। मुझे ये कहते हुए भी हर्ष है कि स्वयं सेवक पूर्ण निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा गृह रक्षा सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराए जाने के फलस्वरूप करीब 700 बॉर्डर होम गार्ड्स को आर्मी के साथ सामूहिक प्रशिक्षण तथा करीब 500 सदस्यों को रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं इस अवसर पर संगठन के स्वयं सेवकों को आह्वान करता हूँ कि वे अपने अपने सेक्टर्स की संदिग्ध गतिविधियों पर सतत रूप से विशेष निगरानी रखें। इसके साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा एवं सांप्रदायिक सौहार्द तथा राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में योगदान मिलता रहे, ऐसी भी मैं कामना करता हूँ। मैं ये भी आह्वान करता हूँ कि प्राकृतिक आपदाओं व आकस्मिक घटित दुर्घटनाओं के समय गृह रक्षा के स्वयं सेवक आगे आकर आम नागरिकों की सहायता में जुटे, साथ साथ सरकार के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान व पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान करें। इसी प्रेरणा स्रोत के माध्यम से हम संगठन की मूल अवधारणा निष्काम सेवा को साकार कर पाएंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि कठिन परिश्रम एवं अनुशासन में रहकर प्रदेश के विकास में सक्रिय निष्ठापूर्वक सहयोग कर हम आगे बढ़ पाएंगे। भविष्य में अपनी दक्षता एवं उपयोगिता बढ़ाने के लिए हम सतत रूप से प्रयासरत रहेंगे। 6 दिसंबर के इस शुभ अवसर पर मैं पुनः मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।